हे दोस्तों, एक दिन ऑथर रमित सेठी को एक डीएम आया एक लड़की का, जो उनसे बोल रही थी कि मुझे आपसे फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, बिकॉज वो बहुत ज्यादा परेशान थी। उसने ऑथर से कंप्लेन करी कि मेरे पति बहुत ज्यादा फालतू खर्चा करते हैं आइस टी के ऊपर, मैं क्या करूँ। तो ऑथर ने पूछा, अच्छा प्लीज आप मुझे बता सकती हो कि आपके पति कितने रुपए की आइस टी रोज पीते होंगे? $3 की, फालतू में, वो भी जबकि मैं उसे इजीली घर पे बना सकती हूँ। ओके, अच्छा प्लीज आप मुझे बताएं कि वो कितनी बार पी लेते होंगे ये चाय को? फिर जब भी वो काम पे जाते हैं पीते हैं, 20 बार तो पी ही लेते होंगे हर महीने। ओके चलो इसका कैलकुलेशन करते हैं फिर। $3 की आइस टी मल्टीप्लाई बाय 20 टाइम्स मतलब आते हैं $60। नाउ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आपकी फैमिली इनकम कितनी होगी? नाउ इसके बाद उस लड़की ने रिप्लाई करना बंद कर दिया। पूरे 20 मिनट बाद उस लड़की ने रिप्लाई करा कि आई एम नॉट रियली कंफर्टेबल टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद यू। ऑथर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। ऑथर ने बोला अच्छा ठीक है, एक काम करो आप एक एस्टिमेट ही बता दो। जिस पे उसने एक एस्टिमेट बताया। नाउ दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप गेस करो कि उनकी ईयरली इनकम कितनी होगी, हजारों में, लाखों में? वेल, उनकी ईयरली इनकम थी $600,000 की, मतलब साल के अराउंड 4,37,00,000 के आसपास। नाउ ये नंबर सुनने के बाद पहली चीज जो आपके दिमाग में आई होगी वो यही है कि क्या बेवकूफ औरत है ये, इतने पैसे कमाने के बाद भी इतनी चिंदगिरी, राइट? आप ऐसे ही कुछ सोच रहे होंगे ना। बट ऑथर बोलते हैं कि देखो नाउ ये जो एक्सट्रीम स्टोरी है एक्चुअली में एक परफेक्ट एग्जांपल है जो बहुत से लोगों की पैसों से रिलेटेड की साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है। एग्जांपल, कितनी बार आपको लाइट चालू छोड़ देने के लिए डांट पड़ी है? इसलिए नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी सेव करेंगे तो एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा या ज्यादा लोगों को वो मिल पाएगी, नहीं बल्कि इसलिए बिकॉज बिल ज्यादा आएगा। कितनी बार आपको कपड़े नॉर्मल से थोड़ा एक्सपेंसिव लेने पे झूठ बोलना पड़ा है या फिर घर पे डांट सुननी पड़ी है? वेल देखो दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसे सेव करना गलत है, आपको तो पैसे उड़ाने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करनी चाहिए। नहीं, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग उस औरत की तरह करोड़ों की इनकम होने के बाद भी कंजूसी करते हैं, नहीं। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि ज्यादातर लोग, इवन मेरे घर वालों ने पैसों से रिलेटेड काफी परेशानी झेली है और इसीलिए हम इतना सेविंग मेंटालिटी वाले बने हैं, जो एकदम बुरा नहीं है। बट हाँ, इस चीज ने ना पैसों से रिलेटेड एक गलत साइकोलॉजी बना दी है हमारे दिमाग में। क्या गलत है? गलत यह है कि मैक्सिमम लोग आज उस औरत की तरह ही $3 के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जबकि उन्हें पूछना चाहिए मिलियन, इवन बिलियन डॉलर्स के क्वेश्चन। लोग 100, 200, 1,000 बचाने पे फोकस कर रहे हैं, जबकि उन्हें लाख्स, इवन करोड़ कमाने पे फोकस करना चाहिए ताकि वो रिच लाइफ जी सके जो वो डिजर्व करते हैं। व्हाट इज रिच लाइफ फॉर यू? ज्यादातर फाइनेंशियल गुरुज जब फाइनेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले वो सेव करना सिखाते हैं, बट इसके अपोजिट ऑथर हमें इससे कुछ हट के बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं। वो आपको सेव करने से भी पहले दिल खोल के खर्च कैसे करना है वो सिखाते हैं। एग्जांपल, याद करो लास्ट टाइम वो कौन सी चीज थी जिसके ऊपर आपने स्पेंड करा और वो चीज ने आपके चेहरे पे एक लंबी सी स्माइल लेके आई, आपको बहुत अच्छा लगा उस चीज पे पैसे खर्च करके। वो कौन सी चीज है जिसपे आपको पैसे खर्च करना बहुत ज्यादा पसंद है और अगर आपके पास बहुत सारे पैसे आएंगे तो आप और ज्यादा उसके ऊपर खर्च करोगे? मेरा एग्जाम्पल दू तो मेरे लिए वो चीज है ट्रैवलिंग और बुक्स, मुझे इन चीजों पे खर्च करना बहुत मजा आती है। आपके लिए वो चीज क्या है, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके मुझे बताओ। अब देखो इससे रिलेटेड ही ऑथर ने दुनिया भर के लाखों लोगों से क्वेश्चन पूछा है कि आपके हिसाब से असली में रिच बनने का मतलब क्या होता है। इस क्वेश्चन के ऊपर कई सारे लोगों ने बहुत अलग अलग आंसर्स दिए हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऑथर ने ये 3 कॉमन आंसर्स देखे हैं जो ज्यादातर लोग देते हैं। पहला आंसर था फ्रीडम। मैक्सिमम लोगों के लिए रिच होना मतलब है फ्रीडम पाना, मतलब जब चाहे जो चाहे वो करने की कैपेबिलिटी रखना। सेकेंड कॉमन चीज थी मिलियन डॉलर्स कमाना, सभी लोगों को मिलियनर्स बनना था, जो ऑथर बोलता है काइंड ऑफ स्टूपिड भी है, बिकॉज मैक्सिमम लोग ये सोचते ही नहीं है कि अगर वो मिलियंस कमा लेंगे तो वो रहेंगे कहाँ पे, उनका खर्च, उनके एक्सपेंसेस कितने होंगे। सिर्फ मिलियन डॉलर्स कमा लेने से आपकी लाइफ सेट नहीं हो जाती। और लास्ट थर्ड मोस्ट कॉमन आंसर था जो शॉकिंग था, कई लोगों ने ये कहा कि उनके लिए रिच बनना मतलब है बस अपनी जिंदगी विदाउट कर्जे में जीना, मतलब विदाउट एनी डेट, जो काइंड ऑफ सैड है। रियल रिच वर्सेस फेक रिच। अब देखो यहाँ समझने वाली बात यही है कि रिचनेस कई सारे लोगों के लिए काफी अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम पे ऑथर के लिए रिच बनने का मतलब था एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाके एपेटाइजर्स ऑर्डर कर पाना, जैसे इंडिया में यूजुअली स्टार्टर बोलते हैं ना, वो ऑर्डर देना उनके लिए रिचनेस थी, बिकॉज पहले वो लोग गरीब थे और रेस्टोरेंट में जाके वो लोग स्टार्टर कभी ऑर्डर नहीं दे पाते थे, इसलिए छोटी सी चीज ही उन्हें रिच लगती थी। ऐसे ही आपके लिए भी कुछ चीजें बहुत स्पेसिफिक हो सकती है। नो इस पूरे पॉइंट का और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो भी चीज आपको पसंद है, जो भी आपका ड्रीम है, आपको उसके ऊपर खर्च करना चाहिए, वो भी बिना गिल्ट फील करे, ना कि उस चीज पर जो बस दिखावे के लिए की जाती है या फिर जो किसी और के लिए रिचनेस डिफाइन करती है। एग्जाम्पल, कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद भी टीवी खरीद लेते हैं जस्ट बिकॉज उनके पड़ोसी ने नई टीवी ली है, इसलिए पड़ोसी ने नई गाड़ी ली तो वो भी नई गाड़ी ले लेते हैं, पड़ोसी वेकेशन पे गए तो वो भी वेकेशन पे चले जाते हैं दिखावे के लिए,
मतलब कहीं ना कहीं वो उनका ड्रीम, उनके गोल्स को भूल जाते हैं। बट अगर आप जो चीजें आपको इतनी पसंद नहीं है उसमें थोड़ी कंजूसी करोगे और बस अपने गोल्स पे फोकस करोगे, तो कई बार आप बिना गिल्टी फील करे बहुत सारा खर्च कर सकते हो उन चीजों पे जो एक्चुअली आपको रिच फील कराती है। स्टार्ट टुडे। मेरा एक दोस्त है जिसे 6-7 साल पहले एक जॉब मिल रही थी जो उसने नहीं करी। रीजन, बिकॉज सैलरी कम थी। वो बोल रहा था कि यार मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, स्टिल ये लोग मुझे इतने कम पैसे दे रहे हैं, बट मैं नहीं करने वाला ये जॉब और मैं अपनी वैल्यू को कम नहीं करूंगा ये जॉब करके। ना वो एक दिन था और फास्ट फॉरवर्ड करके आप 2021 चल रहा है, आज भी वो जॉब नहीं कर रहा है। बट हाँ, आज उसके जो रीजंस है वो बदल गए हैं। क्यों वो जॉब नहीं कर रहा है इसके भी, और क्यों उसे जॉब नहीं मिल रहे हैं इसके भी। एक फेमस चाइनीज प्रोवर्ब है कि पेड़ लगाने का जो पहला सबसे बेस्ट टाइम था वो 20 साल पहले था, लेकिन नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, क्योंकि सेकंड बेस्ट टाइम जो है वो आज है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप आज से ही स्टार्ट करो। बट स्टार्ट क्या करना है? वेल, सबसे पहले तो ये समझो कि जो भी पैसे आप कमाते हो या कमाओगे उसे आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। पहला पार्ट होगा फिक्स्ड कॉस्ट का। यहाँ वो चीजें आएगी जो खर्चे जरूरी होते हैं, जैसे कि बिल, खाना पीना, ये सारी चीजें। यहाँ ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आपके 50-60% की जो इनकम है वो यहाँ जाएगी। सेकंड होते हैं इन्वेस्टमेंट। यहाँ ऑथर आपको अपनी इनकम का एटलीस्ट 10% रखने बोलते हैं जिसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। थर्ड होता है सेविंग। यहाँ आपको पैसे सेव करके रखना चाहिए 5-10% जो आप इमरजेंसी के टाइम पे यूज कर सकते हो। फोर्थ होता है गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। यहाँ ऑथर आपको स्पेंड करने बोलते हैं वो चीजों पे जो यू लव, जो आप पसंद करते हो, वो भी बिना गिल्ट के। ये सेक्शन में आप 20-30% तक खर्च कर सकते हो जो चीज आपको लाइफ में हैप्पीनेस देगी। इन सभी पार्ट में से ऑथर बोलते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम लोग बस यहीं पे ढीले पड़ जाते हैं। अब एक कॉमन क्वेश्चन ये भी आता है कि यार मैं तो इतना कमाता ही नहीं हूँ, सेव क्या करूँ, इन्वेस्ट क्या करूँ। तो वेल, देखो अगेन, अगर तुमने 10 साल पहले पेड़ लगाया होता तो 10 साल बाद आपको उसके फ्रूट्स भी मिल रहे होते। सिमिलरली, मेरे फ्रेंड ने अगर कई साल पहले जॉब कर ली होती तो आज उसके पास अच्छी जॉब होती, अच्छी सैलरी भी होती, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बढ़ चुका होता बहुत ज्यादा। मतलब स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करते हो तब आपको रिजल्ट्स के बारे में इतना सोचना समझदारी नहीं होती है। सिमिलरली, आज आप पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आप कल अमीर नहीं बनोगे, सही है, लेकिन आपकी एक मेंटालिटी बनेगी, आदत बनेगी, जो लॉन्ग रन में आपको हद से ज्यादा फायदा देगी, जो आदत आपको आज से ही स्टार्ट करनी चाहिए। टू सेव एंड इन्वेस्ट, क्रिएट ऑटोमेटिक सिस्टम। ऑथर बोलते हैं हम इंसान नेचुरली बहुत आलसी होते हैं, बहुत काहिल होते हैं। हाँ, मैंने आज फाइनेंस रिलेटेड बात करी, शायद आपके अंदर जोश आ गया होगा, आपको भी लगा होगा कि यार सेविंग करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन फिर 2-3 दिन बाद ही आप सब भूल जाओगे और वापस रैंडम वीडियोस देखने लग जाओगे यूट्यूब पे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक सिस्टम क्रिएट कर लो जिससे आपको बार बार मोटिवेशन की नीड ना हो और आपकी इन्वेस्टिंग और सेविंग होती जाए। नाउ ये करने के लिए भी कई तरीके होते हैं, जिसमें से वन ऑफ द बेस्ट तरीका है SIP का, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखो, अभी मैंने रिसेंटली कुछ यूट्यूबर्स के जो फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं उनके कुछ वीडियोस देखे थे, जहां उन्होंने भी बताया था कि कैसे SIP वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग सेविंग और इन्वेस्टिंग की हैबिट बनाना चाहते हैं, या फिर वो लोग भी जो मेरी तरह हमेशा मार्केट को ट्रैक नहीं करते रहते हैं, कंपनी के डीप एनालिसिस नहीं करते। इसलिए उन सभी लोगों के लिए, जिसमें ऑथर बोलते हैं अराउंड 99% लोग आते हैं, उनके लिए SIP सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नाउ मुझे पता है कि कई लोग ऑलरेडी SIP का यूज कर रहे होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो ग्रेट है, बट यहाँ एक प्रॉब्लम है जो कई बार लोग इग्नोर कर देते हैं जाने अनजाने में। प्रॉब्लम जिससे उन्हें लॉन्ग टर्म में लाखों का लॉस होता है, और बुरी बात यह है कि उन्हें पता भी नहीं चलता। कौन सी प्रॉब्लम? वेल, मैं बात कर रहा हूँ कमीशन्स की, एक्सपेंस रेशियो की। एग्जाम्पल, समझो आप हर महीने 10,000 सेव करके इन्वेस्ट कर रहे हो। लेट्स से आप इन्वेस्ट कर रहे हो एक्सिस ब्लू चिप के फंड्स में, जो रेगुलर प्लान है। यहाँ पे आप 10,000 रुपए हर महीने 10 साल तक इन्वेस्ट करते हो। नाउ ऐसा करने से 10 साल में आप टोटल डालते हो 12 लाख रुपए, जिसके रिटर्न्स आपको मिलेंगे टोटल 29 लाख रुपीज, विच इज गुड। यही SIP अगर आप रेगुलर प्लान से हटके डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते, जिसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है, कमीशन कम होती है, तो आपको उतने ही पैसे इन्वेस्ट करके मिलते 31.12 लाख रुपीज। मतलब एक सिंपल सी चीज जो अगर आप नहीं करोगे तो उससे आपको 2.12 लाख का लॉस हो जाएगा, और ये तो मैं फिर भी कम बता रहा हूँ। अगर एक्सपेंस रेशियो और ज्यादा होगा तो लॉस भी और ज्यादा होगा। एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो मिराई एसेट लार्ज कैप फंड में, जो रेगुलर प्लान है, तो 20 साल बाद आपको मिलेंगे उसके ऊपर 19.22 लाख रुपीज। बट वही अगर आप मिराई एसेट के डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करोगे तो 20 साल में आपको मिलेंगे टोटल 26.84 लाख, मतलब 7.6 लाख का डिफरेंस। ऐसे ही आप खुद भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, अच्छी बात यह है कि अगर आप मेरी तरह ऑलरेडी कुछ जगह इन्वेस्ट कर चुके हो जहां आपके कमीशन ज्यादा जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं है, तो आप एक ऐप का यूज कर सकते हो जो मैं खुद पर्सनली यूज कर रहा हूँ, जिसका नाम है IND Money।
ये ऐप मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा बिकॉज यहाँ पे आप अपनी सारी अलग अलग इन्वेस्टमेंट, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक हो, रियल एस्टेट की हो, FD हो और भी कई सारी चीजें, वो सारी चीजें एक जगह पे आप मैनेज कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, वो भी बहुत इजीली, जो कई बार करना मुश्किल हो जाता है अलग अलग ऐप्स यूज करने की वजह से। प्लस जब मैंने इस ऐप के अंदर अपनी डिटेल्स डाली तो इसके अंदर जो एक स्मार्ट कैलेंडर का फीचर है जिसे हम फ्री में यूज कर सकते हैं, उसने ऑटोमेटिकली मुझे रिकमेंड करा कि आप ये जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखे हो उसे स्विच कर लो, और अगर आप ऐसा करोगे तो इससे आपके कितने पैसे बच जाएंगे, जो मैंने करा भी। मतलब इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद और कुछ स्टेप्स लेने के बाद ही मैंने अपनी काफी पैसे बचा लिए लॉन्ग टर्म में, जो शायद मैं नोटिस भी नहीं करता अगर मैं ये ऐप यूज नहीं कर रहा होता तो। प्लस स्मार्ट कैलेंडर का जो फीचर है वो ये भी बताता है कि कौन से SIP इंस्टॉलमेंट्स आप आज स्विच कर सकते हो और कौन से आपको होल्ड करने चाहिए ताकि आपका एग्जिट लोड और टैक्सेशन बच सके। फिर जब वो SIP का होल्ड पीरियड खत्म हो जाएगा तो ये ऐप आपको ऑटोमेटिकली अलर्ट भी देगा कि अब आप स्विच कर सकते हो अपने SIP को, जो सारी चीजें काफी फास्ट, इजी और फ्री है। सो इसलिए आप इन सारी चीजों का फायदा जरूर उठाओ इस ऐप का यूज करके, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो कंक्लूड करने के लिए इस वीडियो के मेन लेसन अगर रिपीट करके बताऊं तो सबसे पहले आपके लिए ये क्लियर होना चाहिए कि आपके हिसाब से असली रिच बनना मतलब क्या होता है, कहां आपको स्पेंड करना चाहिए बिना गिल्टी फील करे। फिर आपको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहिए अपने गोल से रिलेटेड सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इनकम को बढ़ाने के लिए। एटलीस्ट आपको 5% सेविंग में यूज करना चाहिए और 10% इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना चाहिए हर महीने। और थर्ड, आपने सीखा कि क्योंकि हम इतने आलसी हैं इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम एक ऑटोमेटिक सिस्टम क्रिएट करें जिससे बिना हमारे बार बार एक्शंस लिए हमारे पैसे सेव होके इन्वेस्ट होते रहे। अभी के लिए बस इतना ही। ये सारी बातें मैंने आपको आई विल टीच यू टू बी रिच बाय अमित सेठी इस बुक से बताई है, जो कि काफी अच्छी बुक है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम, कैसे पैसे कमाना है और कई सारी अमेजिंग चीजें सीखना चाहते हो तो ये बुक की बातें आपको बहुत काम में आएगी। नो, वैसे तो इस बुक में कई सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, बट ऑब्वियसली 12 मिनट की वीडियो में बहुत सारी बातें नहीं बता सकता हूँ। बट अगर आप ऐसी अमेजिंग बातें हर हफ्ते सीखते रहना चाहते हो फ्री में बुक्स की बातें बिना पढ़े और बिना पैसे दिए, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मैं हर संडे ऐसी अमेजिंग लोगों की अमेजिंग बुक्स आपके लिए लेके आता हूं, पढ़ के खुद उसकी समरी बना के, ताकि आपको फ्री में वैल्यूएबल नॉलेज मिलती रहे। सो सब्सक्राइब जरूर करो अगर आपने नहीं किया है तो। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।